तो हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो बीम में जो बीम है वो स्लैब है, रिइंफोर्समेंट है जो सरिया मानते हैं, उसमें वो कौन कौन सी गलतियाँ होती है जो आपके स्ट्रक्चर को फेल करती है, आपके जो बिल्डिंग है या फिर आपका स्ट्रक्चर उसको फेल करती हैं, या फिर इसको चेकलिस्ट बोल सकते हो। अगर स्लैब रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करें तो वहाँ पर चेकलिस्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जब भी आपने देखा होगा जो बीम के अंदर हम एल देते हैं, यहाँ पे क्या किया गया, जस्ट ओनली जो एल है, कोई यहाँ पे जो सरिया, जैसे क्या किया गया है कि बीम का जो जो सरिया की लंबाई आती है 40 फीट आती है, वहाँ से एक साइड से एल करके दूसरी साइड जितना भी आया ख़त्म हो गया उसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया है। बट लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है कि यहाँ पे जब भी आप सरिया प्रोवाइड करें 40 फीट का कोई से भी लेंथ पूरी आ रही है, तो उसको आप कॉलम के पास से ही टॉप में क्या करना है, ओनली इस फेस में सेंटर से में किसी पोजिशन पर ला के तीन सरिया है तो तीन सरिया को अगर आपने एक एल इधर दिया है तो दूसरे को आप उस पोजिशन में ला के अल्टरनेट कर दें। यानी कि तीनों को सरिया ला के इसी पोजिशन पर जाके ए आगे पीछे अल्टरनेट कर दें, वो सबसे बड़ी गलती है। तीनों सरिया को अलग अलग पोजिशन पर एल इसकी जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि एल डाल दिया है पर एल की जो लंबाई है वो भी छोटी है, तो प्रॉपर एल डी होना चाहिए, जैसे मिनिमम डेप्थ बीम की है वो कम से कम 300 यहाँ रखे, ठीक है। उसके बाद जो सरिया है वो भी हमेशा ये कट करके ना छोड़े, इससे क्या होगा बीम के ऊपर लोड आएगा, इसके ऊपर अगर बीम के ऊपर वजन आएगा तो यहाँ से ही वो जो ओवरलैपिंग, अब जैसे कि बॉटम में इसने क्या किया है, बॉटम में ओवरलैपिंग करके छोड़ दिया है, बट लेकिन यहाँ से जो कंक्रीट के साथ जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन, ये गलती ना करें, हमेशा बीच में या किसी पोजीशन पे ऊपर के पोजीशन में ओवरलैपिंग लेंथ कर दे और तीनों को अलग अलग पोजीशन पे रख दे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है साइड पे, जैसे कि यहाँ पे दिया है एल करके, यहाँ पे तीन पोजीशन, एक तो तीन सरिया यहाँ पे एक जगह एक ही पोजीशन पे लाके छोड़ दिया है, उसे अपनी तो उसने आसानी देख ली भाई, हाँ ये सरिया मेरा बच रहा है, मेरी मेहनत बच रही है, बट लेकिन जो सरिया का कोस्ट यहाँ पे आ रहा है वही सरिया कोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, पर लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा गलती ना होने दें। दूसरी गलती यहाँ पे हो रही है कि जो कॉलम का जो टॉप है, कॉलम का जो सरिया है वो एक ही पोजीशन में लाके छोड़ दिया है, इसकी लेंथ क्या है बिल्कुल छोटी हो गई है। कॉलम में ओवरलैपिंग लेंथ हमेशा बीच में छोड़े, वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे छोड़ते हैं, और अगर इससे पोजीशन ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे छोड़ भी गई है तो वो कम से कम भी 15 to D होना चाहिए, ठीक है। अगर जहाँ पे भी ओवरलैपिंग लेंथ आ रही है उसमें तो स्पेसिंग कम कर दे, जहाँ पे भी आप लेंथ दे रहे हैं तो वो एक ही पोजीशन पे ना दे। अगर एक ही पोजीशन पे लैप आ जाएगी तो कॉलम जब भी लोड आएगा तो बकलिंग होगा और फेल हो जाएगा एक ही पोजीशन पे, जहाँ पे ओवरलैपिंग लेंथ एक ही पोजीशन पे आती है, ठीक है। तो ये चीज़ गलती ना करें, जैसे कि यहाँ पे एक पास में सभी जो ओवरलैप देख रहे हैं ना सरिया, सभी एक पोजीशन में छोड़ दिया है लाके, कॉलम का ये पोजीशन पे है, ये भी पोजीशन पे, ये एक पोजीशन पे, यहाँ पे ये भी सरिया एक पोजीशन पे यहाँ पे है, ये पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से 7 सरिया एक ही पोजीशन पे लाके छोड़ दिए, तो ये भी कॉलम में ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो गलती ना करें। कॉलम कास्टिंग के टाइम ध्यान दे ले कि कौन सा मेरा छोटा सरिया हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, तो वो आप बड़ा सरिया प्रोवाइड करें। दूसरी गलती ये होती है कि जो रिंग्स प्रोवाइड करते हैं कॉलम के पास में, कम से कम पास पास में होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि लोड आने पे, वजन आने पे बीम के साथ में इफ़ेक्ट होना स्टार्ट यहाँ से होता है, फेल स्टार्ट होना यहाँ से होता है, लेकिन क्रैक्स बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, बीच में होता है। तो इसीलिए एंड जोन मिडल जोन का ध्यान रखें। तीसरी गलती ये होती है कि जब भी आप ओवरलैपिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं वो कम से कम 15 to D होना चाहिए, 50 गुना डाया ऑफ दी बार। जैसे कि अगर 16 mm का सरिया यूज कर रहे हैं तो 16 × 50, तो 16×5 = 80, 800 mm कम से कम इसकी लंबाई जो होनी चाहिए 800 mm होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ओवरलैपिंग लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड करी है, जस्ट ओनली 20 mm का सरिया है, ओवरलैपिंग लेंथ कितनी आ रही है, कम से कम 400 आ रही है। अगर 20 का सरिया है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 20×5 = 100, 1 meter की लेंथ होना चाहिए 20 mm के सरिया में, तो इस तरह से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। फोर्थ मिस्टेक्स ये हैं कि जब भी आप प्रोवाइड करें, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हुक होते हैं रिंग्स के अंदर, रिंग्स के अंदर जो हुक्स होते हैं वो एक ही पोजीशन में डाके छोड़ दिए हैं, जैसे कि ये पा रहे हैं, अगर एक ही रिंग इसको अल्टरनेट कर देंगे तो वो अल्टरनेट हो जाएगा। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक हुक इधर होता है दूसरा हुक, जैसे कि यहाँ पे एक हुक इधर होता है तो दूसरा हुक इधर जाएगा, ठीक है। अगर एक ही पोजीशन में हुक को रखते हैं तो वो क्या होगा, बीम के ऊपर लोड आने पर ये हुक खुल जाएंगे इस तरह से, ठीक है, वजन आने पर हुक खुल जाएंगे।
फोर्थ मिस्टेक ये होती है, पांचवी मिस्टेक ये है कि जब भी आप हुक की जो लंबाई है कम से कम 9 × D रखे, आइस कोड का कोडिंग 9 × D, अगर 8 mm का है 8 को गुना 9 से कर देंगे, 9 × 72, कम से कम यहाँ से इस पोजीशन से 72 mm कम से कम रखे, ठीक है, 70 से 72, 75 mm तक कम से कम रखे, ठीक है, तो ये लंबाई प्रॉपर होनी चाहिए। पांचवी मिस्टेक ये है कि जो हुक होता है वो 135 डिग्री में होना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पे क्या है 90 डिग्री के अंदर है, ठीक है। हुक की लंबाई क्या होनी चाहिए इस तरह से पोजीशन में, ये 135 सीधा आएगा, ऐसे मुड़ेगा तो 90 हो गया, इस पोजीशन में जाएगा तो 135 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक होती है। उसके बाद आपने देखा होगा काफ़ी बीम के अंदर ये जो स्पेसिंग है बहुत ज़्यादा ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि इसकी स्पेसिंग यहाँ पे प्रॉपर 7 से 8 इंची है, पर लेकिन यहाँ पे 10 इंची कर देते हैं, तो ये प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग कम से कम आपकी 8 इंची से ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पेसिंग 4 इंची है कॉलम के एंड सपोर्ट पे। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब भी सरिया प्रोवाइड करें, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ये सरिया कट यहाँ पे डबल लैप, उधर से सरिया आगे 40 मीटर का लाके इधर छोड़ दिया 40 फीट का, ठीक है, इधर से सरिया 40 फीट का लाके इधर छोड़ दिया, पर लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि स्पेस गैप बन गया, यहाँ पे क्या हुआ डबल लैप लेंथ आ गई। तो ये भी एक सबसे बड़ी गलती होती है, ये भी हमेशा ध्यान देना चाहिए, गलती ना होने दे। बीम के ऊपर वजन आएगा तो वो फैल जो स्टील होता है वो एक इलोंगेशन इसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो एक स्ट्रेस होता है, तो सरिया यहाँ से ही वो कंक्रीट के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो ये ओवरलैप लेंथ इस तरह से प्रोवाइड ना करें। दूसरा होता है कि जब भी ये ओवरलैप लेंथ प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी जो गलती होती है कि आपने देखा होगा कि जो हैवी बीम होती है, तो हैवी बीम अगर आप प्रोवाइड करें तो उसके नीचे सबसे पहले से ही कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर दें, जैसे कि ये इसके अंदर क्या होता है कि पहले से ही तार बांधे होते हैं, आप साइड पे बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप रेडीमेड भी खरीद सकते हैं। तो ये कंक्रीट का बना दिया गया है ताकि जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, तो बीम डाउन होने के बाद ये क्रश ना हो, टूटे ना, तो ये क्या हुआ कंक्रीट के बने हुए हैं, तो इसी बेस पे ये प्रॉपर बनाने चाहिए ताकि पहले से आप प्रोवाइड कर दें, ताकि आसानी से पहले से बीम डाउन होने के बाद प्रॉपर गैप बना रहे। अगर आप कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्टील है वो बिल्कुल नीचे पोजीशन में आ जाएगा और जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाएगी। कंक्रीट क्या होता है, स्टील हम कंक्रीट के अंदर इसलिए यूज करते हैं ताकि जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो हमारी बढ़ जाए कंक्रीट की, ठीक है। अगर कंक्रीट को हम 10 फीट लंबा कंक्रीट को बीम को कास्टिंग करते हैं, उसके ऊपर लोड डाल दें, बीम आसानी से टूट जाएगा। अगर उसी बीम के अंदर हम स्टील प्रोवाइड कर देंगे तो हम उसका टेस्ट भी करेंगे, बीच में से लोड डालेंगे, तो वो थोड़ा बिल्कुल माइनर तो इलोंगेशन होगा, मतलब माइनर बैंड तो होगा, पर लेकिन वो फेल बहुत ही मैक्सिमम लोड आने पे फेल होगा। तो इस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप कल एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बीच में कम से कम 25 mm का गैप होना चाहिए। काफ़ी क्या करते हैं बिना स्पेसर के ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देना चाहिए। तो ये बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। और दूसरा ये होता है कि जो इस रिंग की स्पेसिंग है प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे छोड़ दिया गया, काफ़ी क्या करते हैं कि बीम के अंदर रिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो और भी वीडियो हेल्पफुल देखने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो चेकलिस्ट होते हैं बीम का चेकलिस्ट कैसे करते हैं, कॉलम का चेकलिस्ट करते हैं, स्लैब के अंदर हम स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।